नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड, नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आपको नहीं पता है कि मुझे मराठी मुर्गी आज क्या बोल रही है ये नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड आई एम गोना टेल यू कि नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड का असली मतलब क्या है। एंड आप ये कहाँ जान सकते हैं कि नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड का असली मतलब। तो बेस्ट फ्रेंड को हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं हमारे लाइफ में। बेस्ट फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम घर में झगड़ा करते हैं तो हम पहले रो रो के बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं, या बहुत बड़ी खुशी की बात होती है तो हम पहले जाके बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं, या हमें किसी से फर्स्ट लव होता है या सेकेंड लव थर्ड लव, या हमें किसी पर क्रश होता है तो हम जाके पहले बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं। मतलब ज़िंदगी में हर एक चीज़, मतलब बाल से लेके अपने पैर के नाखून तक, हम हर एक चीज़ जिससे शेयर करते हैं उसे हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। और हम बेस्ट फ्रेंड भी उसे कहते हैं जो हमारी शेयर की हुई बात सिर्फ उस तक रखे और किसी आगे थर्ड पर्सन तक ना जाने दे, वो हमारा असली बेस्ट फ्रेंड होता है। और मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल टू हैव अ फ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड इन आवर लाइफ, कि कितना खूबसूरत और हसीन पल होते हैं जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं। मतलब हम अगर घर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम ऐसे उदास होके, यार ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, पर कुछ देर बाद हम जब हम अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें करने स्टार्ट करते हैं तो वह आई थिंक मैं अभी कुछ देर पहले ऐसे मतलब बातें बना रही थी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, या हम अब मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ और मुझे केटी लगा था, तो मैंने घर में ना बताने से पहले मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम बता देती हूँ, पूजा, पूजा नाम है उसका, बहुत क्यूट सी लड़की है। तो मतलब मैंने केटी लगा था फर्स्ट ईयर में, मेरा फर्स्ट केटी, मतलब मैं स्कूल में भी कभी फेल नहीं हुई थी एंड फर्स्ट बार मुझे फेलियर का टैग लगा था। तो मैंने पूरा उसको, पूरे दिन मैंने उसको पकाया था कि मैं क्या करूँगी, मेरे मम्मी पापा मेरे को घर से निकाल देंगे, मेरे मम्मी पापा मेरे को एडमिशन निकाल देंगे, मतलब ऐसा होगा वैसा होगा। मेरी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा गंदी है, मैं बहुत बहुत आगे तक पहुँच गई थी कि मेरे मम्मी पापा बोलेंगे तू अपने हाथ पे, या अब अपनी तू देख ले, अगर तुझे पढ़ाई नहीं करनी है वगैरह वगैरह। तो मैंने बहुत ज़्यादा सोचा था कि अब क्या होगा अगर मेरे को केटी लगाया, मैं मम्मी पापा को बताऊँगा। तो मैंने पूरे दिन उसको लेक्चर झाड़ा था एंड वो बेचारी गरीब की तरह से बैठी हुई, कुछ नहीं होता। और बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो हमें अपने बैड टाइम्स में हमें बहुत अच्छे से स्ट्रांगली मोटिवेट करे, एंड शी इज़ द वन जिसने मुझे मोटिवेट किया था कि केटी लगने से कुछ नहीं होता है, फेलियर इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ अ सक्सेस, हमेशा याद रखना। और इंजीनियरिंग में बहुत कॉमन है, अब मेरे को आदत हो गई है, अच्छा केटी लगाए ठीक है। तो हम टॉपिक पे थे बेस्ट फ्रेंड, तो क्या होगा अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड को किस करेंगे। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड तो गर्ल है, बॉय भी है एक्चुअली, पर अगर आप अपने बॉय या मेल बेस्ट फ्रेंड को किस करेंगे तो क्या हुई है। बेस्ट फ्रेंड की एक कहानी है, कैसे वो मिलते हैं, कैसे वो झगड़ते हैं, कैसे उनमें थोड़ी सी छोटी छोटी नोकझोंक होती है, एंड एवरीथिंग इस बुक में है, नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड। एंड सीरीज भी है Z5 पे, नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड, स्टार बाय नकुल मेहता एंड अन्या सिंह। एंड मैं बता रही हूँ नेटफ्लिक्स की कोई भी स्टोरी लो, या एल्ट बालाजी की Z5 की ये स्टोरी है ना, किसी को बीट नहीं कर सकती। आई एम गोना चैलेंज यू, किसी को भी ये स्टोरी बीट नहीं कर सकती, क्योंकि ये ना ये बेस्ट है, ये बेस्ट फ्रेंड पे है, इसलिए बेस्ट है या पता नहीं, पर इसकी कहानी टच हो गई। मतलब मैं ऐसे हूँ यार, वाह क्या दोस्ती है यार, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे मैं मतलब पता है मेरे को, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, पर मैं सच में बता रही हूँ, आपने अगर ये बुक नहीं पढ़ी है तो यू गोना रिग्रेट योर लाइफ अगर आप ये बुक नहीं पढ़ोगे एंड आप वो सीरीज नहीं देखोगे Z5 पे। तो नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड ये एक्चुअली कहानी है टैनी बरार एंड सुमेर सिंह ढिल्लों की, ये दो बेस्ट फ्रेंड कैसे मिलते, मतलब वो एक्चुअली अजनबी होते हैं तो वो कैसे मिलते हैं, उनमें कैसी दोस्ती होती है, उनका इंट्रोडक्शन बहुत सही दिखाया है। एक्चुअली बुक में थोड़ा अलग है एंड सीरीज़ में थोड़ा अलग है, तो जो सीरीज़ का इंट्रोडक्शन है वो बहुत सही है, मतलब वैसे भी वाह। तो मतलब मुझे ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो बुक में एक्चुअली मुंबई का बताया है सब, एंड
ये बुक में सब मुंबई का है एंड जो सीरीज़ है उसमें आउट ऑफ इंडिया का शूटिंग है, सब आउट ऑफ इंडिया का दिखाया है। तो बुक में ऐसा दिख मतलब बुक एंड सीरीज़ थोड़ा मैच नहीं होता है, थोड़ा अलग स्क्रिप्ट बना के उन्होंने किया हुआ है, बट बेस्ट सीरीज़ है एवर। तो मैं थोड़ा सा आपको इस सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। इस सीरीज़ में मतलब वो जो है टैनी बरार, उसकी मम्मी पापा उसको सुमेर ढिलोन के पास लेके जाते हैं उनके घर में ऐसे ही मीटअप के लिए। तो वहाँ पे वो दोनों मतलब हीरो और हीरोइन मिलते हैं, इंट्रोडक्शन बहुत सही है। तो फिर बाद में जैसे कि इधर लिखा हुआ है कि उसके साथ लिंगरी शॉपिंग करना, और जब मूवी रोने वाली मूवी देखते हैं तो वो रोने वाला सीक्रेट अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करना, और उसी बेसिस पे उसको ब्लैकमेल करना। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ मतलब वो जैसे उसको प्रोटेक्ट करता है, उसके दो बॉयफ्रेंड्स हो चुके होते हैं तो वो दोनों बॉयफ्रेंड्स जैसे वो सुमेर उसको प्रोटेक्ट करता है, इट्स अ लवली थिंग टू सी। और जैसे वो कॉर्ड्स डाल के एक और टैनी के कान में और एक सुमेर के कान में, एंड जब वो सॉन्ग सुनते हैं और दे लीन ऑन अ शोल्डर, वो पल भी बहुत खूबसूरत है देखने के लिए। और फिर और ऐसे छोटे छोटे पल है जो बहुत खूबसूरत है और बहुत लवली है। फिर जैसे कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड उसके बेस्ट फ्रेंड मतलब टैनिक को जब बाहर कर मतलब हमारे मतलब जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, मुझे मुंबई से बाहर पढ़ाई के लिए जाना है, मुझे हैदराबाद पढ़ाई के लिए जाना है। तो फिर मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे मम्मी पापा को मनाएगा कि उसको बाहर भेजो, तो वो जो सीन है ना वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो मतलब उस सीरीज़ ने बताया है कि असली बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, बट उस सीरीज़ ने ये भी बताया कि अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड को किस करोगे तो क्या होगा। तो जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड को किस करती है तो थोड़ा उनका रिलेशन थोड़ा ऑफ हो जाता है, बट फिर वो ओवरकम हो जाते हैं। फिर 5 साल ऐसा दिखाया कि 5 साल सुमेर 4 साल सुमेर गायब हो जाता है अचानक से, किसी को नहीं पता होता कि वो सुमेर कहाँ चला गया, एंड अचानक से फिर से वो टैनी की लाइफ में आ जाता है। तो फिर से उनकी कहानी शुरू हो जाती है। एंड ये बुक आप पहले सीरीज़ भी देख सकते हैं, आप पहले बुक भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो जाए, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले सीरीज़ देख लो, क्योंकि बुक थोड़ा सा अलग है एंड सीरीज़ सिर्फ 10 एपिसोड की है, कुछ आधा पौना घंटा की सीरीज़ एक है, तो आपकी सीरीज़ बहुत जल्दी देख के हो जाएगी। Zee5 पे है एंड ये बुक बहुत भगाती है, आप सीधा अमेज़ोन से ऑर्डर कर लेना, क्योंकि मैंने ये बुक दो महीना मतलब मैंने नवंबर स्टार्ट में मैंने जब अमेज़ॉन अपना स्क्रॉल करी थी तो मैंने ऐसे ही देख लिया था ना किसी बेस्ट फ्रेंड, तो मुझे ये चाहिए थी तो मैंने शॉप्स में पूछा, क्योंकि अमेज़ॉन पे बहुत महंगा सेल कर रहे थे ये, तो ये 195 की है, तो अमेज़ॉन पे कुछ 205 रुपीज़ या 210 रुपीज़ में जा रही थी। तो मैंने शॉप्स में पूछा, कहीं नहीं थी, मैं मुंबई तक चली गई, मैं जब पुणे बीच में पुणे गई हुई थी तो मैंने पुणे में भी ढूंढा पर मुझे पुणे में भी ये बुक नहीं मिली। ये बुक बहुत भगाती है बहुत ज़्यादा, तो मैंने आखिर में अमेज़ॉन से ऑर्डर करने ही वाली थी कि मेरे बर्थडे के दिन मेरा भाई ये बुक मेरे को गिफ्ट कर गया। तो ये 195 की है, अगर आप मुंबई होलसेल मार्केट बुक मार्केट में जाओगे तो आपकी ये बुक आसानी से 100 रुपीज़ में बहुत अच्छे क्वालिटी में आ जाएगी। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ना, नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड। तो इस बुक में जो एंड में उसने अपने लिए अपने बेस्ट फ्रेंड के लेटर्स लिखे हैं, जो ये लेटर्स ये बहुत खूबसूरत है, मतलब जैसे हम डायरी लिखते हैं ना वैसे सुमेर ने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ किस दिन क्या क्या किया था वो सब लिखा है। एंड इट टच यार कि मतलब एक बेस्ट फ्रेंड होना हमारी ज़िंदगी में हमारे लाइफ के मतलब हमारे फैमिली मेम्बर जैसा होता है, और अचानक से अगर वो चला जाए तो मैं भी नहीं सोच सकती कि क्या होगा, हमारे लाइफ पूरी मैसअप हो जाएगी कि जिसके साथ हम पूरा शेयर करते हैं अचानक से वो ही पार्टनर हमारा गायब हो गया है। मतलब मैं नहीं कभी सोच सकती ये कि मतलब आज मैं अचानक से ऐसे ही पूजा के घर चली गई हूँ एंड मुझे देखा कि माय गॉड पूजा है ही नहीं, पूजा कोई नहीं है घर में, मतलब ऐसे मुझे आजू बाजू से पता चलता है कि वो तो चले गए हमेशा के लिए, आई डोंट नो रीज़न, मुझे भी नहीं पता, मुझे बताया भी नहीं और बिना रीज़न चले गए।
मैं कभी नहीं सोच सकती। और जब मिलेंगे तो क्या होगा, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, आई डोंट नो। मैं कितना रोऊंगी, मैं कितना उसको गले से लगाऊंगी, कितना ज़ोर से हग करूंगी, बट नहीं सोच सकते हम अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर रहना। एंड यही स्टोरी इसमें भी है, वो झग ओह माय गॉड। और जब वो झगड़ते हैं तो एक सीन है जहाँ पे उसको मम्मी को कॉल करने को बताती है टैनी बरार, अपने सुमेर की मम्मी को कॉल करने, मतलब उनका झगड़ा हो गया होता है। तो वो जो जो वो सीन है वो फाइटिंग का, ओह माय गॉड मस्त है। और सॉन्ग्स भी इस सीरीज़ के बहुत सही है, जाने ना दूंगा कहीं, ये सॉन्ग बहुत बेस्ट है, जाने ना दूंगा कहीं ये सॉन्ग। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इस सीरीज़ का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और इस बुक का अमेज़ॉन का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी नीचे। तो सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं, देख लेना। ये जाने ना दूंगा कहीं में जो शूट किया हुआ है वो पूरा नाचते हैं एंड ऑल, बहुत खूबसूरत दिख, बहुत खूबसूरत। उसकी क्लोथिंग भी बहुत अच्छी दिखाई है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी टैनी की क्लोथिंग, मतलब उसने जो बिया किया है। मैं सोच रही थी कि काश मुझे भी कोई ऐसे बताए कि क्या पहनना है, क्योंकि मुझे फैशन के बारे में मतलब इतना नॉलेज है नहीं। तो वो भी बहुत अच्छा है। किसी और बेस्ट फ्रेंड इस सीरीज़ में ऐसा भी दिखाया है कि सुमेर जो होता है उसको डायरेक्टर, मूवी डायरेक्टर बनना होता है, एंड टैनी जो है वो उसको पूरा सपोर्ट करती है। तो बेस्ट फ्रेंड यही होता है कि जो हमारे अच्छी और बुरे चीज़ों को एक्सेप्ट करे, जो हमारी छोटी और बड़ी चीज़ों को एक्सेप्ट करे, कि वो चाहे सपना छोटा हो या बड़ा। मतलब उसने ये नहीं कहा कि मूवी डायरेक्टर या तुझसे कभी नहीं होने वाला, या तू कर मत, या ये बहुत बड़ा सपना है, हम जैसे लोग सिर्फ छोटा सपना देख सकते हैं। नो, बेस्ट फ्रेंड ने इंकरेज किया कि यस तू कर सकता है, एंड तुझसे होगा, तू करेगा, तू अपने फैमिली से बात कर एंड ऑल। और ये सच्ची बताऊँ, ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मुझे इंकरेज करती है, मुझे चिल्लाती है अगर मैंने थोड़ा सा भी मेरे सपनों के बारे में नीचे वगैरह ऐसे अप डाउन्स किए, तो अगर मैंने डिसीजन फटाक से नहीं लिए तो, या मैंने कुछ अपने ड्रीम्स के बारे में कुछ सेक्शन मिस किया, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मुझे बहुत चिल्लाती है। ट्रस्ट मी, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड अपने बड़े सपनों को भी ऐसे इंकरेज करती है, आपको सपोर्ट करती है, तो थ्रू ट्रस्ट में उस इंसान को कभी मत खोना, कभी भी नहीं। अगर आप रो रहे हो तो आपके आंसू पोंछ के अगर आपको हग करती है तो वो बेस्ट फ्रेंड है। अगर हंस रहे हो तो आपकी हंसी में खुद की सैडनेस भुला के अगर हंसती है तो वो बेस्ट फ्रेंड है। आपके हर प्रॉब्लम में आपके साथ जो खड़ी रहती है वो बेस्ट फ्रेंड है। अब कभी ये नहीं कहती कि इसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हुई है या हम ऐसे, नहीं, हमारे वजह से प्रॉब्लम खड़ी हुई है तो हम इसके ज़िम्मेदार हैं, तो हमें ही चिल्लाइए, ऐसे वाले होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। रात के 3 बजे भी अगर कॉल करो तो कॉल पर बातें करने वाले बेस्ट फ्रेंड होते हैं। रात के 3 बजे कॉल करो और हमें बुरा, मतलब हमारे सैडनेस अगर फील करो तो वो सैडनेस भी सुन के लेते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। सुबह सुबह जिसकी नींद ख़राब होने, जिसे पसंद नहीं है उसकी नींद अगर हम ख़राब करें और फिर भी वो चिल्लाए नहीं, तो वो बेस्ट फ्रेंड होता है। ऐसी छोटी छोटी बहुत चीज़ें हैं जो हमें बताती है कि दैट द वन पर्सन जो हमें हमें लाइफ टाइम सहन करने वाला है, एंड वो मेरे लाइफ में पर्सन है पूजा, जो मेरी जो मेरी पूरी मतलब बातें सुन के लेती है, जो अनलिमिटेड होती है मेरी बातें, अनलिमिटेड बातें मेरी सेंड कर लेती है, सुन लेती है मेरे हंसी मजाक एंड एवरीथिंग। तो बेस्ट फ्रेंड क्या, तो बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो हमारे घर में आके खुद की तारीफ़ करे और अपने पेरेंट्स के खुद की तारीफ सुन ले, वो बेस्ट फ्रेंड होता है। बेस्ट फ्रेंड वो भी होता है जो हमारे घर पर जाके खाना ठूसे, जितना चाहे ठूसे। और बेस्ट फ्रेंड वो भी होता है जिसे हम अपने प्यारे से छोटे छोटे नाम देते हैं। तो मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को जान बोलती हूँ। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या बोलते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। तो और इसमें जो टैनी है वो बहुत क्यूट नेम बोलती है, ये आप सीरीज़ में ही देख लेना कि वो सुमेर को क्या बोलती है, बट इट्स ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि क्या बोलती है। तो हम जितना भी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बातें करें कम ही हो जाएंगी, कितने भी तारीफ़ करें, कितनी भी हम लिखें, कितने भी बोलें, पर बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना या बोलना बहुत कम हो जाएगा। और ओवरऑल सीरीज़ बहुत सही है, मतलब एक नंबर फाड़ू। मुंबई की मराठी मुर्गी की भाषा में अगर बोलूँ तो छक्का सीरीज़ आहे, एकदम मस्त।
बघूनच घ्या तुम्ही एकदा.